अगर आप माइक्रोबिट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स चेक कर सकते हो कंप्यूटर प्रोग्राम के फंडामेंटल्स में पहले हमने इवेंट्स और इवेंट हैंडलर्स को समझा और अब हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को समझ रहे हैं नेक्स्ट हम देखते हैं बुलियन वेरिएबल्स या बुलियन ऑपरेटर्स तो जो बुलियन ऑपरेटर्स हैं वो बुलियन मैथमेटिक्स पे बेस्ड हैं एंड इसेंशली वो केवल दो वैल्यूज़ रख सकते हैं या तो वो ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कि वाइल अ सम बुलियन ऑपरेटर इज़ ट्रू कुछ चीज़ हो जाए कि एल दिख जाए या म्यूजिक प्ले हो जाए या जो भी आप चाहते हो तो इसके लिए मैं पहले प्रोग्राम के कमांड्स को डिलीट कर रहा हूँ बेसिक में जाके मैं एक फॉर का लूप ला रहा हूँ और हम बुलियन वेरिएबल्स देख रहे हैं तो बोलियन वेरिएबल्स लॉजिकल वेरिएबल्स हैं तो मैं यहाँ पे ये बोलियन वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पर लॉजिक uh, के अंदर हैं हमारे पास और मैं चाहता हूँ कि हम कहें कि समथिंग इज़ ट्रू और फॉल्स तो इसके लिए मैं अगर लूप्स में जाता हूँ तो मेरे पास एक यहाँ पे कमांड है जो कह रही है कि वाइल समथिंग इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स डू समथिंग तो ये सेम एज़ दिस ट्रू कमांड है तो मैं कह रहा हूँ कि वाइल समथिंग इज़ ट्रू डू समथिंग तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वाइल बटन बी इज प्रेस्ड शो बी इनपुट पर जाके मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कमांड है बटन ए इज़ प्रेस्ड मैं इसको वाइल के लूप में डाल रहा हूँ तो हम क्या कमांड लिख रहे हैं कि जो भी ये कंडीशन है वाइल दिस बट दिस कंडीशन इज़ ट्रू डू समथिंग सो मैं कह रहा हूँ कि वाइल बटन ए इज़ प्रेस्ड और मैं यहाँ पे शो एल की कमांड लाके कह रहा हूँ कि वाइल ए इज़ प्रेस्ड शो ए तो मैं यहाँ पे ये एल ई अप कर रहा हूँ टू शो ए तो क्या होगा कंप्यूटर इस फॉर लूप के अंदर आएगा चेक करेगा कि क्या ए प्रेस्ड है अगर ए प्रेस्ड है तो वो ए दिखाएगा और अगर ए प्रेस्ड नहीं है तो हम जो भी इसके बाद कमांड्स आएंगी वो दिखाएगा तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेसिक में जाके फिर से इस से बाहर अटैच कर रहा हूँ कि अगर तो ट्रू है अगर तो जो ए बटन है वो प्रेस्ड है तो ए दिखाना और नहीं प्रेस्ड है तो वट एवर यू वॉन्ट शो तो मैं एक क्रॉस दिखा रहा हूं तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो बटन ए अभी प्रेस नहीं है इसलिए हमें क्रॉस दिख रहा है और जब बटन ए प्रेस होगा तो वो जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है बुलियन ऑपरेटर जो है वो ट्रू है तो मुझे ए दिख रहा है बुलियन वेरिएबल्स जो हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और वो तीन वैल्यूज़ ले सकते हैं एंड और या नॉट तो अभी हमने फॉर एग्जाम्पल ट्रू देखा तो हम अगर इसी चीज़ को फॉल्स के मोड पे देखना चाहते हैं कि नॉट ट्रू तो हम एक और प्रोग्राम लिख सकते हैं और इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि दो चीज़ें साथ हों कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि इफ़ बटन ए इज़ प्रेस्ड एंड बी इज़ प्रेस्ड कि ट्रू है कि बटन ए भी प्रेस्ड है और बी भी प्रेस्ड है तब कुछ करना या हम कह सकते हैं कि बटन ए और बटन बी इज़ प्रेस्ड तो इस तरीके से हम डिफरेंट बुलियन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो हम एक नॉट का ऑपरेटर uh, ट्राई कर सकते हैं वापस लॉजिक प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में जाके नॉट ला रहा हूँ और यहाँ जो था वाइल लूप था वाइल ट्रू तो अब हम जब इसमें नॉट लगा देते हैं तो हम कह रहे हैं कि वाइल समथिंग इज़ नॉट ट्रू तो अब हम कह रहे हैं कि वाइल नॉट ट्रू से वाइल बटन बी इज़ नॉट प्रेस्ड ये ये कमांड ये कह रही है कि वाइल B is not pressed, show A. और uh, otherwise maybe बी हम इसको चेंज कर सकते हैं और हम कह रहे हैं कि मे बी अदरवाइज जस्ट शो बी अगर प्रेस्ड है तो क्या दिखाना तो so, इसको सिमिलेटर में हम देखते हैं तो वाइल बटन बी नॉट प्रेस्ड और बटन बी प्रेस हो रहा है तो बी हो जा रहा है और बटन पी बी नॉट प्रेस्ड की कमांड है जो यहाँ पे हमने कहा है कि वाइल बटन बी not प्रेस्ड इज़ ट्रू तो शो ए तो ये ए है और इफ़ बटन बी इज़ प्रेस्ड तो बी दिखाना तो इस तरीके से हम ये जो हमारे तीन ऑपरेटर्स हैं एंड और तो हम यहाँ पे एंड uh, डाल सकते थे और फिर हम दो कंडीशंस जो हैं वो दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी अदरवाइज़ कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो ऊपर से एग्जीक्यूट होते हुए आ रहा था वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या दोनों कमांड जो हैं वो ट्रू हैं अगर वो दोनों ट्रू हैं तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और अगर उनमें से एक भी जो है वो ट्रू नहीं है तो ये सारी कमांड्स स्किप हो जाएंगी और कंप्यूटर सीधे इन कमांड्स पे आ जाएगा एंड लाइक वाइज अगर लॉजिक पर और है या तो ये कंडीशन वन ट्रू है या टू ट्रू है एनी वन ऑफ देम इज़ ट्रू या दोनों ट्रू हैं तो ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर वो फॉल्स हैं अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो इस लूप को प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा और जो उसके आगे की कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी तो आई होप इससे आपको समझ में आया कि जो बुलियन वेरिएबल्स हैं वो कैसे ट्रू फॉल्स का लॉजिक फॉलो करके हम एक गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं एक स्पेशल वेरिएबल जो माइक्रोबिट में अवेलेबल है जो कि स्प्राइट वेरिएबल कहलाता है